हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स स्टर ग्रेड टू, जो कि टोटल 3012 वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसी से रिलेटेड आपके सिलेबस के बारे में। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके सिलेबस को समझना। अगर आपने उसको सिलेबस को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी करी, प्रिपरेशन को जारी रखा, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको अंत तक देखिए और समझिए कि सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि मैं जल्द ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा जाएगा आपका सिलेबस में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 170, यानी कि 170 क्वेश्चन टोटल आपके होंगे, और टाइम आपका होगा 2 घंटे, यानी 120 मिनट में। ओके, तो 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको 170 क्वेश्चंस करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब काफ़ी कम टाइम मिलेगा, 120 मिनट यानी कि आपको 1 मिनट से काफ़ी कम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से क्वेश्चंस करने होंगे, और तो इसमें देखेंगे कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और 21 टाइप के रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी और डी, जिसमें से आपको ओएमआर शीट में आपको क्वेश्चन सेलेक्ट आंसर सेलेक्ट करके आपको ओएमआर शीट पे क्या होगा, आपको फिलअप करना होगा। तो ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चंस, और सामान्य हिंदी यानी कि 20 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकारक। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस चैनल पे हो जाएगी, क्योंकि मैंने यूपीपीएससी का जो आरओ एग्ज़ाम होता है यानी समीक्षा अधिकारी का, तो उसमें प्रीलिम्स में मेरा हिंदी का स्कोर बहुत ही अच्छा रहता है, और 60 में करीब 55 क्वेश्चंस हमारे 55 प्लस क्वेश्चंस मेरे पूरे सही होते हैं। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का काफ़ी अच्छी तैयारी हमारे इस चैनल पे आपकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड आपका मुख्य विषय, जो है आपका नर्सिंग, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें 120 प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और टोटल क्वेश्चन 170 रहेंगे, और परीक्षा अवधि 2 घंटे, और पूर्णांक 85 अंक का रहेगा। ओके, यानी कि आपका आधा मार्क्स का आपके क्या रहेंगे, यानी 0.5 जो मार्क्स होंगे आपके लिए, मतलब आधा मार्क्स आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि आपका सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम रहेगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इसमें आपका भारत का इतिहास रहेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। ओके, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। तो इसमें जो भारत का इतिहास, यानी कि जो आपका जैसे इतिहास के मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आपको क्या करना रहेगा, आधुनिक भारतीय इतिहास जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, यानी कि आपका जो आधुनिक भारतीय इतिहास, जो आपका 1857 वाला, जबकि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था 1885 के समय में, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी,
ओके। और उससे रिलेटेड जो भी महात्मा गांधी का जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी चीज़ें उनके आंदोलन हुए थे उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके। एंशियंट में जैसे प्राचीन इतिहास है उसमें आपको नहीं जाना है, मध्यकालीन भी में नहीं जाना है, ठीक है। और मेनली आपको मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो उसमें जो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी, और विशेषकर आपका भौतिक, भौतिक यानी भौतिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पहाड़ नदियाँ पठार ये आपका क्या हो गया, भौतिक से रिलेटेड अध्ययन हो गया। और सामाजिक जैसे कि जनसंख्या और आर्थिक यानी उद्योग धंधे और कौन से खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और विश्व भूगोल जो आपका रहेगा इसमें केवल सामान्य जानकारी यानी कि आपको डीप में नहीं जाना है और आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। ओके। यानी लूसेंट बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आप उसको परचेस कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। इसमें क्या होगा, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी होगी। इसमें अभ्यर्थियों के जनसंख्या पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। यानी इंडियन इकोनॉमी में आपको पॉपुलेशन एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन तीनों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ओके, और भारतीय जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियन कल्चर इन सब चीज़ों का भी प्रिपरेशन करना होगा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसमें क्या होगा, मेनली इसमें खेल कूद के प्रश्न भी शामिल होंगे, और जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, जो करंट अफेयर्स होता है कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया, किसका निधन हुआ, किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई और कोई स्थान विशेष पे कोई घटना हुई, तो ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा जीके में पार्ट वो रहेगा भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होगा, कृषि उत्पाद रहेंगे और उसके मार्केटिंग यानी विपणन से संबंधित सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। और सामान्य विज्ञान में हमारा रहेगा ये हमारा दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण यानी जो जनरल साइंस होगी आपके लिए, तो वो आपको पढ़नी होगी। यानी कि आपको ज़्यादा जो डीप में है यानी जो है काफ़ी जो जो मोस्टली नॉर्मल जो बुक्स रहती है लूसेंट वगैरह उनसे ही आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लूसेंट की जो साइंस की अलग बुक आती है सामान्य विज्ञान की, उसको आप पढ़ लेते हैं। वो भी सामान्य विज्ञान में एक ध्यान करने वाली ये चीज़ है कि जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री यानी भौतिक और रसायन रहती है, और बायोलॉजी यानी सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे सामान्य विज्ञान में वो क्या रहेंगे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। तो आप जीव विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा, और आपको भौतिक और रसायन के क्वेश्चंस बहुत ही कम होंगे। और जो प्रारंभिक गणित होगा वो क्या हाई स्कूल लेवल का होगा, जिसमें अंक गणित बीजगणित और रेखा गणित के क्वेश्चंस होंगे। ओके। तो उसके बाद ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम चलेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, आपका विलोम शब्द रहेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि रहेगी, अनेक शब्दों के एक शब्द रहेंगे, और तत्सम एवं तद्भव शब्द रहेंगे, विशेष और विशेषण रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ओके। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, और इससे रिलेटेड आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो है वो है नर्सिंग। मेनली जो आपका टोटल जो आपका रहेगा 120
प्रश्न आपके रहेंगे किसके, नर्सिंग के रहेंगे, ठीक है, यानी आपके मेन सब्जेक्ट के रहेंगे। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग देख लेना, इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रहेगा एक टॉपिक इसमें, तो इसमें जो सारे कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, हृदय रक्त संचार तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन, नर्वस, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और नर्सिंग की बुनियादी यानी फंडामेंटल नर्सिंग रहेगी, उससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे। ओके, ये मैंने हिंदी नोटिफिकेशन खोल रखा है इसलिए इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, आप लोग इंग्लिश में आप इसका नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। तो इसका जो है रहेंगी आपकी फंडामेंटल नर्सिंग रहेंगी, यानी नर्सिंग की बुनियादी बातें, और प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राइमरी हेल्थ रहेगा। और नेक्स्ट हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रहेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, मनोरोग नर्सिंग यानी साइकोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग होगा आपका। तो इसमें परिचय होगा, सामुदायिक जिम्मेदारी, निदान, प्रबंधन एवं नर्स की भूमिका होगी। और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा। ओके, संकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, संस्थागत और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में अंतर रहेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC और उपकेंद्र की संरचना रहेगी। और नेक्स्ट हमारा रहेगा मिडवाइफरी एंड गायनोलॉजिकल नर्सिंग। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपको पढ़ने होंगे। और बाल नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसको भी टॉपिक को देखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और व्यवसायिक रुझान एवं समायोजन, परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदंड। ओके, तो ये आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट होगा, इसमें डिफिनीशन होंगी। और नॉर्म्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ये टॉपिक होगा आपके लिए। माइक्रोबायोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा एंड सोशियोलॉजी होगा, और व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल हाइजीन होगा। एंड 14 है एनवायरमेंटल सैनिटेशन होगा, और क्या होगा आपका नर्सिंग में कंप्यूटर, ये सब आपका होगा, जिसमें कि आपकी सामान्य जानकारी की अपेक्षा करी जाएगी, जिसमें आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की नर्सिंग में उपयोगिता और इंटरनेट और ईमेल। ओके, तो इससे आपके इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक रहेंगे, इन सबको आपको पढ़ना होगा। और फ्रेंड्स, मैं जल्द से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और इससे पहले कि अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे UPNHMCHO, MPNHMCHO और स्टाफ नर्स सभी के सैकड़ों की संख्या में आपके वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, आप उनको देखिए, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देखिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, या इम्पोर्टेंट PDF है वो भी आपको उस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।